तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आपको थंबनेल देख कर तो समझ में आ ही गया होगा कि ये वीडियो किस लिए बनाया हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हो, कल मैंने शाम के समय में करीब 4 बजे एक वीडियो अपलोड किया था शॉर्ट्स पे, ठीक है। तो गाइस, उसमें 1 घंटे के अंदर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मतलब क्या ही बोले, पानी की तरह व्यू आ रहा था। हमारा तकरीबन 1 घंटे में हो गया था 8,500 व्यू, ठीक है। तो कुछ कारण, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैं दिखाता हूँ, तो देख सकते हो आप हमारे यूट्यूब स्टूडियो में, आप देख सकते हो रियल टाइम व्यूज़ 4,400 हो चुका था। और मतलब ये तो थोड़ी देर पहले ही की थी, 141 लाइक था, पर मैंने उस टाइम तो स्क्रीनशॉट लिया नहीं था। उस समय तक हमारा 350 करीब लाइक चला गया था और 10K की वॉचिंग, 10K की व्यूज़ आ गई थी। पर उसके बाद ही, मतलब क्या ही बताऊँ, एक ऐसा चीज़ हुआ कि मैं हिल गया पूरा। मैंने जैसे वीडियो खोला तो मैंने देखा कि भाई ये क्या आ गया, दिस वीडियो इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल ड्यू टू द कॉपीराइट क्लेम। तो भाई ये देख के पूरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने जल्दी से अपना YT स्टूडियो चेक किया तो उसमें कुछ ऐसा लिखाया, वीडियो टेकन डाउन, कॉपीराइट स्ट्राइक, मतलब हमारे वीडियो पे स्ट्राइक आ चुका था। मतलब भाई वीडियो हो चुकी थी डिलीट। भाई इतना मेहनत करके, इतना वीडियो डाला, एक वीडियो पे रिजल्ट दिखा तो भाई वो YouTube वालों ने डिलीट कर दिया। अब मतलब क्या ही बताऊँ यार, डीमोटिवेशन की भी हद होती है, बट कोई ना, आप क्या कर सकते हैं, जो हुआ। तो मैंने YouTube को मैंने मेल तो कर दिया है कि ऐसा समय, मैं दिखाता हूँ आपको मेल। तो ये मैंने YouTube को मेल किया है, जैसे से मतलब जो भी लिखना था मुझे, मैंने लिख दिया और अपना वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक दे दिया। अब देखो आगे क्या होता है क्या नहीं, वीडियो वापस आती है कि नहीं। ट्राई तो पूरा कर रहा हूँ कि आ जाए वीडियो वापस, क्योंकि यार ये वीडियो जाना नहीं चाहिए था। तो एज लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यार सपोर्ट करो, जब भी वीडियो न्यू आए तो यार देख लिया करो एक बार और लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, बस इतना ही चाहिए। तो कोई ना, हम आगे भी ट्राई करेंगे कि वीडियो हमारी और भी वायरल हो। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।